यस प्रतीक सर इज विद अस। आज नोबल कोज में आप रक्तदान करने जा रहे हैं। प्रतीक सर, ये कौन सी बार रक्तदान कर रहे हैं आप? ये 8वीं बार मौका मिला है सर, और दूसरी बार मौका मिला है टाइटेनियम उदयपुर के साथ। ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। सो कई सारे लोगों को ये मिथ होता है कि ब्लड डोनेशन से वीकनेस आ जाती है। प्लीज 8वीं बार में तो मेरे ख्याल से अगर वो लोग जो सोचते हैं वीकनेस आती, तो आप तो बेड रेस्ट पे होते हैं अभी, कुछ मैसेज उनको देना चाहें आप? बिल्कुल, ये कम्प्लीटली एक मिथ है। ब्लड डोनेशन शायद सबसे बेस्ट डोनेशन है इस दुनिया का, क्योंकि आप अपना खून नहीं दे रहे हैं, आप अपना रक्त नहीं दे रहे हैं, आप किसी को जिंदगी दे रहे हैं। दोस्तों, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं हर रोज, और कितने लोगों की जान पर बनाती है, और उन्हें खून की हमेशा जरूरत होती है। ये बिल्कुल एक मिथ है कि इससे किसी भी प्रकार की वीकनेस आती है। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। उल्टा, इसको देने के बाद आपके शरीर में नया ब्लड बनता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रेश होता है, और आपको बहुत हेल्दी फील होता है, और आपकी स्किन भी और अच्छी हो जाती है। आपके कई सारे चाहने वाले आपको इस वीडियो में देखेंगे, उनको कोई संदेश देना चाहे ब्लड डोनेशन के लिए? बिल्कुल, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को युवा कहते हैं, आप अपने आप को जवान कहते हैं, तो उसके लिए उसके साथ उसकी जिम्मेदारी को भी समझें और जरूर रक्तदान करें। इससे किसी प्रकार की वीकनेस नहीं आती है और बहुत अच्छा फील होता है। ओके, सो प्रतीक सर, विश यू ऑल द बेस्ट। और कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, मैं अंत में टाइटेनियम उदयपुर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और उनको बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि वो इस नोबल कास्ट को कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, और यंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रक्तदान करना और इस तरह की जो चैरिटी एक्टिविटीज हैं, ये भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके लिए आपको थम्स अप। थैंक यू सर, वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबसे पहले डोनर होंगे आज के। थैंक यू।